हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जाएंगे एक नए पिकनिक स्पॉट पे ब्यास के किनारे। वहाँ पे आज बनाएंगे हम पोहा। गो। तो इस बार अपने व्यूअर्स के लिए आई माइसेल्फ रोट टू लाइंस तो अर्ज किया है। ओ मुसाफिर, नहीं है तेरा कोई ठिकाना, एक मंजिल को पाकर अगली मंजिल पर है तुझको जाना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सेम लोकेशन, डिफरेंट मेन्यू। आज का मेन्यू, जैसा कि आप जान चुके हैं, पोहा है। पोहा से पहले हम कॉफ़ी बनाएंगे और चलिए अब हम मिलते हैं अपने पहाड़ी स्कॉच से। हाय गाइस। हाय गाइस। तो यहाँ पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी सीटिंग अरेंजमेंट की, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी बनाएंगे। मेहा ने हमें सजेस्ट किया कि हम ओरियो कॉफ़ी बनाएं, विच इज़ अ वियर्ड थिंग, क्योंकि ओरियो मिल्कशेक तो होता है बट कॉफ़ी तो मैंने भी पहली बार सुना। बाद में ऐसा ना, सीधा ढककर फुटी करके पानी। यार तो मुझे बॉटल दे दो, मैं ऐसे ऐसे करके डाल दे। नेस्कैफे और नदी और तंदूर। पल्लू पी तेरे लिए बड़ी अच्छी है, कॉफी चॉकलेट ये वाला थोड़ा सा पी। तो आज हमारे ब्लॉग में एक नए मेंबर जुड़े हैं जिनसे हम आपको अभी मिलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बीसू से, जो कि पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता है और एक आईटी प्रोफेशनल है। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? अभी बहुत छोटी है क्योंकि सारे फॉलोअर्स हमें फॉलो कीजिए प्लीज। 1K टारगेट अभी बड़ी जल्दी अचीव करने वाली है। जल्दी तो पता नहीं, पर करेंगे बड़ी जल्दी अचीव करेगी। और अब मिलेंगे हम रोहित से। रोहित अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसका एम है थग लाइफ जीना। कॉफ़ी बनाने के बाद हमने पोहा प्रेपरेशन स्टार्ट की। ऋतिक और सब्बू लकड़ी इकट्ठे करते हुए, और दीदी जो हैं आज की हमारी मास्टर शेफ हैं, वो हम सबको गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। माचिस दे दीदी, माचिस को जला। दीदी आग जलाने में प्रो है, उन्होंने 2 मिनट में आग जला दी। आग जलाने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गए, जस्ट टू एंजॉय द नेचर। रोकते नहीं है वैसे, पर मैंने रोक दिया। चलो पोहा बनाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने पोहा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सब लोगों को काम डिवाइड हो चुके हैं। मेहा प्याज काट रही है, पल्लू टमाटर काट रही है, सबू को मिर्ची काटने का काम मिला है और मुझे वीडियो बनाने का। सबू देखिए हमारी कामी बच्ची। चले दीदी, और क्या लेके आओ? झुमके, तेल और तेल और प्लीज तू यार भाई दे। रेडी रहो, हम एक एक चीज और। नहीं मैं नहीं करना है, मेरे दोस्त मुझे बेइज्जती करेंगे। नहीं नहीं पाएंगी, ये नहीं पाएंगी, ये पर्सनल। कढ़ाई छोटी नहीं इस पर दीदी, तो एक बार में सारा आ जाएगा इसमें। हाँ अच्छी तरह करूंगी, मतलब दो बार में कर। मेरा एक तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं कर लूंगी पक्का ना। उसमें सारा दाल डाल दूं ना, ऑयल डाल दो। सारा तो नहीं बस, नहीं प्याज नहीं जाएगा, मैं जाएगा तभी वो ना अच्छा सब उसमें कम है, बल्कि ये तो मस्टर्ड सीड डाल दिए। फिर उसके बाद मैं ये प्लेट में से पत्ते डालूंगी, फिर बाद में हरी मिर्ची डालूंगी। मैं ना हींग डाल देती हूँ एंड रोटी है मेरी भी। अब ये तू डाल यार, मुझे डर लगता है, ट्राई करती हूँ। ओह बहुत सही, डालने पड़ती है, डाल डाल डाल। अनियन अच्छा बनाता है, अनियन ये नहीं मैं डालती हूँ। अच्छा ले बस, मैं नहीं ये तो एक्टिंग बाहर की ना, मेरे फ्रेंड लेके आए थे कि वही तो मैं कह रही हूँ कि कैरे बार लेके निकल जाते हो ऐसी।
गरम गरम तेल में सरसों, हींग और कड़ी पत्ता डालने के बाद अब आती है बारी प्याज की। हमारी शेफ सब्बू दीदी के डायरेक्शंस पे मसाले को मिक्स करते हुए और ये दीदी मसाला डालते हुए कन्यादान हो रहा है। आग आ रही है ना तुझे। क्या बोलते हैं ये, जैसे ये प्लेट है ना, जितने लोग हैं ना सब में ऐसे डालने लगो, फिर ऊपर से मैं गार्निशिंग करूँ। पोहा बनके तैयार है और पल्लू से सर्व करती हुई। नींबू डालते थोड़ा थोड़ा, किसी को नींबू नहीं चाहिए हो ऐसा, तो जिसको सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे मेरा फेवरेट होगा। पोहे को गार्निश करने के लिए हम प्याज और टमाटर डाल रहे हैं और ये लास्ट में आलू भुजे नमकीन। वो वाला हरा धनिया ठीक है ना? कौन सा वाला? वो वहाँ पे लगा हुआ है। मैं लगा लेने के लिए गाले। मैं तो चले भी गई धनिया लेने के लिए। धनिया है, धनिया है, धनिया है। बांग के बत्ते सामने। अरे ये देखने वाले। मैं दीदी खा रही हूँ बेटा, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो चुका है। ये चलो इसको हम डाल देते हैं। मेरा फेवरेट है, मेरा कम फेवरेट। ओए कोई शेयर कर सकते हैं तो मुझे शेयर कर लो। वो हो जाओ, मैं हाथ से भी खा लूं। वो भी किसी को आता खाना इतने प्यारा नहीं मिलेगा खाना। ओए कम पड़ा नहीं खा सकते कोई। वाह, हमने डिसाइड किया कि हम पोहा नदी किनारे जाके ही खाएंगे। चलो चलो प्रिया आ जाओ, आ जाओ। चलो कॉफी एंड हम लोग बिल्कुल भी लेटर नहीं करते हैं और अपना सारा गजरा अपने साथ अपने घर वापस ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चे पोहा खाते हुए और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हुए। ये सारे पिक्चर्स आप हमारे फेसबुक पेज पहाड़ी स्क्वाड पे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सब लोगों ने अपनी बैठने की जगह चुन ली है और अब सब लोग पोहे का मजा ले रहे हैं इस बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ। पोहा खाने के बाद अब समय था पानी में डुबकी लगाने का, तो हमारे गोताखोर जा पहुंचे नदी में। पानी में बहुत देर खेलने कूदने के बाद अब है समय घर वापस जाने का, तो एक एक करके सारे पहाड़ी स्क्वाड के मेंबर्स किनारे पे आए वापस। हमें बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिया घगरेवाड़ी। सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि तो हमको पैसे नहीं मिलते अभी तक। और नहीं अच्छा लगा तो जाके अपनी भैंस चराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।